आपको कुछ चीजों आपको अपने आप को खुश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, एकदम बिल्कुल पैसिफिक ओशन की तरीके से मैमथ सिलेबस है, एकदम इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, सारी चीजें पढ़ती है, मन भी थकता है, दिमाग भी थकता है, सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना होता है, हर दिन अपने आपको रेजोनेवेट भी करना होता है, रेजोनेवेट भी करना होता है, ठीक है ना, अपने आपको मोटिवेट भी रखना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि दो तीन चीजें, रेजोनेवेशन आप कैसे करेंगे, अपने अंदर रेजोनेवेट कैसे करेंगे आप, तो देखिए जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कई लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा बना के खा लेते हैं वो उनको अच्छा लगता है, कई लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टीवी देखना अच्छा लगता है, उनके हर किसी का अपने अपने आप मतलब कि अपना जो एंटरटेनमेंट का तरीका होता है जिससे वो अपने आप को रेजोनेवेट फील करवाते हैं, सबका तरीका अलग होता है। तो आपके पास रेजोनेवेशन का भी टाइम होना चाहिए आपके पास, आपको करना भी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप इफेक्टिवली और बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से अपने पढ़ाई को वापस आप शुरू कर सकते हैं। अगला जो दिन आपका शुरू होगा वो नए जोश और उत्साह के साथ होना चाहिए। सो रेजर्वेशन का भी टाइम आपके पास होना जरूरी है। दूसरी बात है मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो देखिए मोटिवेशन में पढ़ाई के लिए मैंने आपको कई बार बताया और आज उन्होंने भी बताया था, आसिमा गोयल जी ने भी बताया था और मैंने भी कई बार आपको बताया कि देखिए लाइफ में जब भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कहीं भी कुछ करें तो आप अपने लिए गोल्स को हमेशा छोटे छोटे गोल्स रखें, शॉर्ट टर्म्स गोल आपके पास होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट टाइम्स गोल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट गोल्स होने चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके सामने उद्देश्य होना जरूरी है, टास्क आपका होना चाहिए। अगर आपने कोई टास्क रखा है और शॉर्ट गोल्स बना के रखे हैं और आपने उसको अगर अचीव कर लिया, इस टास्क को आपने अकॉम्प्लिश कर लिया, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने इस काम को कर लिया है, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस, राइट? ये चीजें बहुत जरूरी है।